हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्रलो। गाइस के साथ उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी बढ़िया ही हूँ। गाइस आज हमारे सामने खड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार कार, ये इसका जो मॉडल, ये मॉडल आप देख रहे हो, ये क्रेटा का बीच का मॉडल है, यानी कि एस मॉडल बोलते हैं। गाइस को काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक के साथ ये आता है, देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी लगती है भाई ये गाड़ी। ये क्रेटा का एस मॉडल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो पहले मैं इसके जो है वॉक अराउंड करके आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके की लगती है गाड़ी, कितनी लंबी चौड़ी और काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है देखने के ऊपर है। ये पीछे से भी दिखाता हूँ, एक बार वॉक अराउंड करके आपको इसको दिखा देता हूँ। रियर से भी कुछ इस तरीके की लगती है देखने पर, क्रेटा एस। अभी पेट्रोल में आप देख रहे हो उसको, देख सकते हो गाइस उस तरीके की लगती है। चलते हैं आगे की तरफ, फ्रंट से शुरू करते हैं। तो भाई फ्रंट में ना आपको टॉप मॉडल वाली ग्रिल मिल जाती है इसके अंदर एस मॉडल में, इसलिए इसको वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। यहाँ पर हुंडई का लोगो, सिल्वर फिनिश की कास्केडिंग ग्रिल, क्रोम की डिजाइन और डिज़ाइन आपको समझ जाती है। यहाँ पर पोजिशनिंग DRL आपको इसमें, सॉरी LED DRS आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, वो भी ऑटोमेटिक वाले हेलोजिन में आते हैं। यहाँ पर आपको जो है रिवर इंडिकेटर इसमें मिल जाता है, और फॉग लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके का लगता है कंप्लीट फ्रंट लुक साइड से देखने पर, सामने से देखने पर। आइए साइड प्रोफाइल की बात करें, तो साइड से ही सवारियों को इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेंगे। और बात करें टायर की, तो भाई टायर आपको इसमें अपोलो के मिलेंगे, 16 इंची के टायर मिलेंगे, और चारों में डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलेंगे 2023 में क्रेटा एस में। 205 cc/h 16 इंची के आपको स्टीयर व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी प्यारे लगते हैं। बॉडी कलर में ही आते हैं इसमें डोर हैंडल, शार्पी 19 आता है इसमें, और ऊपर एक शार्पी 19, और यहाँ पर सिल्वर फिनिश की रूफलेस। और पीछे की बात करें, इसी मॉडल से आपको वाइपर, डिफॉगर, स्पॉयलर, वॉशर आपको इसमें देखने को मिलता है, और हाइमार स्टॉप लैंप और LED टेल लैंप, LED टेल इंडिकेटर्स के साथ, और चार पार्किंग सेंसर, एक कैमरा। और आइए पीछे बूट, इसका बूट कुछ इस तरीके का खुलता है, 433 liter बूट स्पेस। और यहाँ पर जो है सिल्वर फिट, इसमें आपको पार्सल ट्रे भी एस मॉडल से मिलती है। यहाँ पर जो है आपको एक लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, और वही 16 इंच का स्टेपनी व्हील मिल जाता है। आइए पीछे का डोर फटाफट से आपको दिखा दूँ, इतना वाइट खुलता है एस मॉडल का दरवाज़ा, ब्लैक, वाइट और ब्लैक में आता है डिज़ाइन। और यहाँ पर जो है सनशेड आपको इसी वेरिएंट से मिलेंगे, कांच ऊपर नीचे करने का भी आपको मिलेगा, यहाँ से जो अपना दरवाज़ा खोल सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट बोटल होल्डर से मिल जाएगा, और तीन लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। और अब इसके अंदर गाइस 60-40 सीट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, मतलब गिरा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें चेंज, बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा इसमें। आइए बैठ जाते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर दो ऐसी वेंट्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के। यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ पर फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हो, तो मैगजीन होल्डर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। और पीछे का स्पेस भी बहुत शानदार है, ना आर्मरेस्ट ना कुछ भी, बस सीट जो है 60-40 कर दी, ये चेंज हो गया। फोल्डेबल ग्रे विंडल आते हैं, फिक्स्ड इसमें आपको ग्रे विंडल मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जो है लाइट मिल जाती है पीछे कुछ इस तरीके का लगता है। आगे से देखने पर कुछ इस तरीके का लगता है क्रेटा एस का इंटीरियर कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। चलते हैं आगे की तरफ, आगे चल के बात करते हैं फटाफट से। तो एज कुछ इतना वाइट खुलता है दरवाज़ा इसका, सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन मिल जाती है। यहाँ पे ओवरिंग कंट्रोल, चाइल्ड लॉक वगैरह आपको तो पता ही होगा, स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर, बोतल होल्डर, यहाँ से अपना जो है फ्यूल टैंक खोल सकते हो, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर दो आपको मैनुअल सीट रिक्लाइन मिलेगी, और यहाँ पर जो है एडल स्टार्ट स्टॉप बटन। आइए गाइस थोड़ी पुरानी गाड़ी दिखा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब उसमें एडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी आ रहा है, ये थोड़ी पुरानी है, बाकी तो गाइस वही है, सेम ऐसी आएगी, बाकी मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए ऐसे ही, ताकि आपको थोड़ा अनुमान हो जाए कि एस मॉडल ऐसे चेंज हो। बस यहाँ पे जो है एडल स्टार्ट स्टॉप आ जाएगा, जो अभी इसमें नहीं दे रखा है, ये थोड़ा पुराना है उससे, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने सोचा ये वाला ही दिखा दूँ। तो भाई कुछ इस तरीके की लगती गाड़ी, एक मिनट बाहर की लाइट वाइट सब बंद कर दूँ। तो इस कुछ इस तरीके लगता है क्रेटा एस का इंटीरियर अंदर से, कितना शानदार लगता है, लेदर स्टेयरिंग नहीं आता है, फिर भी पकड़ सही है, और इसको टिल्ट है, टेलीस्कोपिक तो बिल्कुल भी नहीं है। वॉइस कमांड की कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसमें जो है आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, नेविगेशन सब मिलता है, इंफ्रारेड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे अपना जो है इसके हेडलैम्प के लीवर्स, अपने हेडलैम्प जो है उसको जो है अपनी लाइटों के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, वाइपर्स के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके लगता है देखने पर। और 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरीके की है, गाइडलाइंस के साथ आता है ये। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक एसी वेंट्स आपको एस मॉडल से मिलेगी, हजार लाइट का स्विच, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट और फास्ट चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर स्पेस रखते ही फोन रखने को मिल जाती है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड डीजल भी आपको मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन, दो कप होल्डर एंड हैंड ब्रेक,
यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मोटी सी स्पेस डे नाइट वाला IRVM जिसमें आपको देखने को मिल जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सॉफ्ट मिलते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, और इधर आपको मिरर मिल जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जो है हेलोजिन में ही लाइटें मिलती हैं। यहाँ से सनग्लास होल्डर और बस यही कुछ आपको देखने को मिलता है। अंदर की तरफ कूल ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और बात करें चाबी की तो इसमें आपको लॉक अनलॉक होल्ड करके जो गाड़ी का बूट खोल सकते हो, कुछ इस तरीके की मिलती है क्रेटा एस की। तो गाइस मैंने जो इसके आपके सारे फीचर जो है इसके मैंने आपको हाईलाइट करा दिया, अगर कुछ छूट गया तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सॉरी गाइस बाहर से ही खत्म करते हैं, तो गाइस मैं बाहर से आपको दिखा दूँ किस तरीके। तो गाइस आई होप आपको अच्छी लगी तो वीडियो, गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।